इतना क्लोज मैच और कहीं ना कहीं आपको फार वेस्ट को ही दोष देना होगा जहां पर वो जीत के दहलीज पर पहुंच कर कब लगभग रन बॉल या उससे एक बॉल ज्यादा ही उनको स्कोर करना था लास्ट के दो तीन ओवरों में, ले दो ओवरों की बात करें उसके बावजूद भी अगर इस मैच को जीतने में कामयाब विराट ने अगर सुपर किंग्स रही है तो डेफिनेटली क्रंच सिचुएशन पे उन्होंने प्रेशर को हैंडल जरूर किया, लेकिन फार वेस्ट ने भी अपने पैर को खिलाड़ी जरूर मारी है जिसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन इस मैच से इतना जरूर क्लियर हो गया कि विराट ने अगर सुपर किंग्स जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में डेफिनेटली देख सकती है। और अगर बात करें फार वेस्ट के लिए तो पूरी तरह से सफर उनका खत्म अब हो चुका है इसी हार के साथ। लेकिन कल इस मैच के रिजल्ट से कल का जो डे है वो बड़ा एक्साइटिंग टाइप का हो गया है। कल क्या कुछ करना होगा किसी को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आज के मैच की बात करें एंड पहले विराट नगर ने बैटिंग की है फेस बाय फेस क्या हाल था? जरूर देखिए पहले फेस की बात करें तो 77/3 पहले फेस में विराट नगर ने बनाए। जी हां शुरुआत अच्छी हुई, 3 विकेट यहां गिरे और टॉप ऑर्डर के 3 विकेट गिरे, उसके बावजूद भी यहां पर आप 77 रन देख रहे हैं तो अच्छी बात। चलिए आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर फिनिश कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ हुआ भी यही, अगर आप देखेंगे जो यहाँ का एवरेज स्कोर है वो इन्होंने क्रॉस जरूर किया है। जी हाँ, 70 रन दूसरे फेज में बनाए, 11 से 20 ओवर के बीच में 70 रन टीम ने बनाए हैं और इसका क्रेडिट यहाँ पर एक प्लेयर को जरूर जाएगा, हम जरूर बात करेंगे उनके लिए। और 3 विकेट यहाँ पर विराट नगर के गिरे हैं और 147/6 आफ्टर 20 ओवर्स अगर बात करें तो ये हाल रहा था विराट नगर का। बिल्कुल 33 डॉट बॉल्स इसके बीच में आए थे, 120 में से 33 डॉट बॉल्स जो है विराट नगर सुपर किंग्स ने खेली है। अब यहाँ पर अगर बैटिंग की तरफ चले तो यहाँ पर दो रनआउट्स ने बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं आपकी पैनिक क्रिएट कर दिया विराट नगर सुपर किंग्स के लिए। डेफिनेटली शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब हुई जब ओपनर ग्रांचू शर्मा और ग्रांचू शर्मा का बल्ला वापस खामोश हो गया है और प्रदीप पैरी जो 1 और 3 रन पे आउट हो गया, उसके बाद जिम्मा संभाला रोहित और हुसैन तलत ने। जी हुसैन तलत जो लगातार विराट नगर के लिए स्कोर करते जा रहे हैं और आज भी उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग कहीं ना कहीं उस सिचुएशन पे आई जिस सिचुएशन में टीम ने बहुत ही जल्दी सिंगल डिजिट पे अपने दो दो विकेट कहीं ना कहीं गंवा दिए थे। अब यहां अगर बात करें एंड दूसरी तरफ से रोहित पुढ़ल और इस इनिंग की, ये एक बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा था लेकिन जैसे रोहित का विकेट गिरा उसके बाद दो बैक टू बैक रनआउट्स ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से फार वेस्ट को मैच में ले आया था। नहीं जरूर देखिए यहाँ पर रोहित के बारे में जरूर बात करनी होगी, 29 बॉलों में 21 रन किए हैं उन्होंने, अगर यहाँ पर वो रन थोड़े और कर देते तो बेहतर होता क्योंकि आपको उस वक्त क्योंकि आपकी इनिंग जो है वो ठीक है, आप पार्टनरशिप आपने वहाँ पर करी है लेकिन आप बॉल्स भी देखिए, आप बॉल्स आपने काफ़ी ले ली है, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो इतने बॉलों में कम से कम 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है तो फिर क्या है वो भी, जबकि 105-110 का स्ट्राइक रेट तो कुछ भी नहीं है T20 क्रिकेट में। अगर हम बात करें 115-20-25 या उससे ऊपर तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो सब पावर हिटर होते हैं लेकिन ये स्ट्राइक रेट जरूर होना चाहिए, आपका 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है तो ये जरूर सवाल। आप जबकि खेलते हैं आप अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स करते हैं उसके बावजूद आज ये है तो इसको जरूर है कि इसको काम करने की जरूरत है अगले मैच में, अगर आप क्योंकि आप इंपॉर्टेंट मैच आ रहे हैं अब इस स्ट्राइक रेट से काम नहीं बनेगा। उसके बाद दो रनआउट्स जी हाँ जरूर वहां पर फंसा मैं जरूर है, हुसैन तलत की जो इनिंग रही है उन्होंने बिल्कुल 29 बॉलों में 52 रन जिस तरीके से बनाए, 5 चौके 2 छक्के भी जमा दिए उन्होंने। अर्जुन साउथ 22 रन थोड़ा सा वहां पर फंसे हुए नजर आए, जी हाँ वो कुछ रन मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं निकल भी रहे पर उस तरीके से नहीं खेले हैं जिस तरीके से उन्हें यहाँ पर एक इनिंग बिल्डअप करनी चाहिए थी। पृथ्वी बासकोटा भी 0 पे रन आउट हो गए, बिल्कुल ये स्कोर जो है वो बहुत कम में रह जाता है और कहीं ना कहीं फार वेस्ट जो है इसे चेज में जरूर लेकर आ पाता अगर विवेक यादव की वो बेहतरीन इनिंग नहीं आती। विवेक यादव उतने खुलकर इस नेपाल ट्वेंटी में लीग में अभी तक निकल कर नहीं आए थे लेकिन जितना भी उन्हें हमने देखा दो चार बॉलें उनको मिली, कभी कभी बहुत बॉलें भी मिली, उन्होंने डिसअपॉइंट भी किया लेकिन उनके अंदर एक जरूर थी कि वो क्लीन हिटिंग जरूर कर पाते थे, पावरफुल तो है वो, मतलब बाउंड्रीज लगाने के लिए दमखम तो उनके पास है जो चाहिए T20 क्रिकेट के एक बैट्समैन को, वो उनके पास जरूर है कि वो सिक्सेस भी लगा सकते हैं, चौके भी निकाल सकते हैं और पावर हिटिंग भी सकते हैं, वो थोड़ी बहुत एबिलिटी उनके अंदर दिखी थी और आज फाइनली एक 30 प्लस की बेहतरीन इनिंग निकली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग बन गई है आपके सामने ही है। रिजल्ट देखने के बाद आपको कितना ये आपको क्लियर हो गया होगा कि विवेक की जो इनिंग रही है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, बहुत अच्छे टाइम पर और अच्छी जगह पर यह इनिंग आई क्योंकि क्वालिफिकेशन की तलवार भी जो है विराट नगर के गर्दन पर लटक रही थी और इसी जीत के साथ बहुत ईज आउट उनको कहीं ना कहीं हो गया होगा। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट
नहीं जरूर, देखिए बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो उमेर अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई यार, 2 विकेट 4 ओवर में 15 रन, बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही है। और अदर बॉलर से इस तरीके का कोई यहाँ पर साथ मिला नहीं, सिर्फ नूर अहमद, जी हाँ उनसे जरूर मिला पर उन्होंने विकेट नहीं निकाले, जी हाँ विकेट नहीं निकाले, 4 ओवर में 22 रन, प्रेशर जरूर बनाया पर विकेट्स निकालने में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से हमें दिखा कि थोड़ी पार्टनरशिप हुई। विवेक यादव ने लास्ट फेज में बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, बहुत ही अच्छी खूबसूरती के साथ उन्होंने शॉट्स खेले, पावर हिटिंग की है, उस लेकिन आज करण जैसी फिर एक और बार आज अपने बॉलिंग से इतना शाइन नहीं कर पाए। अगर हम बात करें प्रकाश जैसी भी यूं ही गए और दुर्गेश गुप्ता ने एक विकेट जरूर निकाला, पूरे ओवर नहीं दिए, पूरे ओवर जरूर मिलने चाहिए थे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं करण जैसी जो है वो पूरी तरह से ऑफ कलर नजर आए हैं नेपाल टी20 लीग में, अगर बात करें हम उनकी गेंदबाजी की। चेस की तरफ अगर हम चले फारवेस्ट यूनाइटेड के, तो यार उनका चेस फेस बाय फेस कंपेयर टू विराटनगर सुपर किंग्स कैसा चल रहा था? जरूर देखिए, पहले फेस में अगर बात करें तो जी हां सिमिलर था, अगर आप देखेंगे 76 रन यहाँ पर बनाए फार वेस्ट ने और 3 विकेट उनके भी गिरे हैं। जी हाँ एग्जैक्टली, देखिए लगभग सेम, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें 1 रन का फासला है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड फेस आया ये तो खत्म, बिल्कुल ही खत्म करके रख दिया, 68 रन बनाए और 6 विकेट यहाँ पर फार वेस्ट की गिर गए। तो यहाँ पर सबसे खराब क्रिकेट फार वेस्ट ने खेला है, पूरा का पूरा दोष जो जाएगा वो इस पूरे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को, जो इन्होंने खराब क्रिकेट खेली है, एकदम खेलना ही नहीं आ रहा, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, तो बहुत ही खराब क्रिकेट रहा है आज अगर हम बात करें। और 3 रन से एट द लास्ट मोमेंट टीम हारी है, वो भी किसकी वजह से, बात जरूर करें। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें ओपनिंग के लिए जब हस्मतुल्ला सईदी और विनोद भंडारिया जिन्होंने कल रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी, देखिए हमने वही कल एनालिसिस में कहा था कि ये मौसमी बुखार टाइप की इनिंग है आपकी, विनोद की मैं बात कर रहा था कि अब देखना होगा कि आप इसे कंसिस्टेंसी कितना ला पाते हैं। अब 9-8-9 बार में एक बार तो किसी ने किसी का बल्ला चलेगा ही, वो वैसा ही इनिंग था विनोद की तरफ से और आज वापस से देखिए वो बैक टू अपने गेम पे आ गए। बिल्कुल, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा जल्दी से कि ये टूर्नामेंट है, यहाँ टूर्नामेंट खेलने आए हैं, अपनी टीम को जिताने आए हैं, तो आपको चलना ही पड़ेगा टूर्नामेंट जिताने के लिए। किसी अगर कोई प्लेयर है टीम का तो उसको लगातार चलना पड़ेगा अगर टूर्नामेंट जीतना है, और अगर हार और रिजल्ट ऐसे आने हैं तो देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है अगर आप चलेंगे। बिल्कुल, और आप ही के टीम में वो मैट है जिनका आपको जिनकी तरह आपको खेलना है, वो है अस्मितुल्ला सईदी। अस्मितुल्ला सईदी का नेपाल टी20 में इस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक रहा है, अगर उसका अगर 60-70% भी बाकी प्लेयर्स अगर फारवेस्ट के कर पाते अपने अपने अपनी तरफ से, डेफिनेटली फारवेस्ट आज सबसे लास्ट नंबर पर खत्म नहीं हुई हुई टीम नहीं होती। उसके बाद देखा था लाए 5 रन, मिलिंदा सिलवर्धन ने 3 रन, सब बोल्ड होकर गए, भीम शार्की 9 रन, नूर अहमद 10 रन, करण केसी 8 रन, उसके बाद ये पूरा का जो पोल है लगातार गया, धड़ाधड़ विकेट यहां पर गिरते गए और वापस इस रेस में था ही नहीं। लेकिन उसके बाद उमेर अली ने एक जबरदस्त ट्राई जरूर मारा। नहीं जरूर, उन्होंने बहुत कोशिश की है, ये तो ऊपर वाले बैट्समैन को थोड़ा सोचना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए कि नीचे आकर, इतने नीचे आकर वो बैट्समैन भी ट्राई कर रहे हैं पर आप लोग कुछ नहीं किया है, और आप लोगों का टूर्नामेंट ऐसा महान जैसा गया अगर आप ये सोचते हैं तो ये भी खराब है। आपका पर्सनल टूर्नामेंट भी इतना बेकार गया है, जो प्लेयर हमने नाम लिए, देव खनल हो, आपके भीम की हो, विनोद नारी हो, इतना खराब परफॉर्म किया है इन्होंने इस टूर्नामेंट में। लेकिन उमेर अली ने आज कोशिश जरूर की कि भाई चलो कोशिश करते हैं, कुछ टीम ने तो यहां तक घसीट दिया मैच को, तो 23 रन बनाए उन्होंने, 1 चौका 2 छक्के भी मारे, लेकिन वो नाकाफी हुआ, वो रनआउट जो हुए वहां से जरूर मोमेंटम एक बदल गया थोड़ा सा। उसके बाद अचानक से इतना आसान सा मैच वो करके चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी टीम हार गई, ये हैरानी है। बिल्कुल, यानी क्लियर है कि उमेर अली के अंदर जो कॉन्फिडेंस था वही चीज फारवेस्ट को कैरी कर रही थी, ना कि रन या फिर शॉट्स। वो कॉन्फिडेंस जब उनके जाने के बाद उन बाकी जो बचे हुए प्लेयर थे उनमें इतना भी नजर नहीं आया कि वो इस गेम को क्रॉस कर सके। क्लियर कट है, जो कॉन्फिडेंस उमेर अली लेकर चल रहे थे, भले ही दूसरे प्लेयर शॉट ना मार पाए, लेकिन कॉन्फिडेंस जो कैरी कर रहे थे उमेर अली उनके रनआउट से, वो सब कुछ कहीं ना कहीं चला गया विराटनगर की तरफ। रनआउट बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ स्टेज रहा है आज अगर हम बात करें दोनों ही इनिंग में। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या कुछ रहा है, आपको क्या लगता है? फर्स्ट फेज शानदार जा रहा था, सेकंड फेज में कौन से प्राइम बॉलर है जिन्होंने वापसी कराई है विराटनगर? जरूर देखिए, राजनंदन की तारीफ करनी होगी, उन्होंने ही शाहिदी को आउट किया, उसके बाद प्रेशर बनाया एक तरीके से, उसके बाद उन्होंने देव खनल का भी विकेट लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने निकाले हैं सॉरी, जबरदस्त तारीफ उनकी होनी चाहिए जिस तरीके से ये यही चीज
हमें फार वेस्ट की बॉलर्स में देखने को नहीं मिली थी। वहां सिर्फ एक ही बॉलर चमके, एक ही बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कराई, दो विकेट भी निकाले, पर यहाँ पर सूर्य तमांग भी थे जिन्होंने दो विकेट निकाले। हाँ, ये लगातार उनकी तरफ से कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस निकल कर आई है। तीन चार बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस सूर्य तमांग की तरफ से अभी तक इस्तेमाल टी20 लीग में आ गई है, और उसमें से एक आज भी कहीं ना कहीं रहा इंपॉर्टेंट मैच में। बिल्कुल सही कहा, अपना 4 ओवर में 15 रन, 2 विकेट, और कियान जोसेफ की तो तारीफ करनी होगी, 6 बॉल में 6 रन चाहिए थे, उन्होंने 4 रन उन्होंने सेव किए, डिफेंड किया ये टारगेट बहुत बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आपने इसको डिफेंड किया। उमर अली भी रन आउट हो गया अनफॉर्चुनेट, तब शायद हम देखते कि ये कंडीशन कैसा रहता है, लेकिन क्रेडिट आपको ही जाएगा कि आपने 6 रन सिर्फ 6 रन डिफेंड कर। बिल्कुल, आधा टूर्नामेंट आते आते जो टीम नेपाल टी20 लीग में आधा टूर्नामेंट आते थे जो टीम सबसे लास्ट में थी यानी पोखरा एवेंजर्स, वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। जी हाँ, कैसे, सिंपल सा है, कल काठमांडू नाइट्स वर्सेस विराट नगर सुपर किंग्स का मैच है, अगर इस मैच में विराट नगर ने काठमांडू को हरा दिया तो पोखरा को सिर्फ इतना करना है कि वो फार वेस्ट को हरा दे, बस सिंपल सी बात है। यानी पोखरा को ये दुआ करनी है कि काठमांडू कल का मैच हार जाए और वो अपना मैच जीत जाए, तो विराट नगर सुपर किंग्स और पोखरा ये दोनों एक अलोंग साइड जनकपुर और लुम्बिनी ऑल स्टार्स पहुंच जाएंगे नेपाल टी20 लीग के सेमीफाइनल में। भैया टी20 क्रिकेट हो तो ऐसा है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने डाले हैं एशिया कप से रिलेटेड और वर्ल्ड कप क्वालिफायर से रिलेटेड, प्लेऑफ से रिलेटेड, जरूर एक बार जाकर चेक करिए, कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिएगा। बाय।